राधे राधे। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि साड़ी पहन के राधे राधे कहो तो अच्छा लगता है, ये ड्रेस पहन के कहती हो तो कन्फ्यूजन होता है कि तुम हो कौन। इस बात ने मुझे हैरान किया कि अगर मेरे आसपास के लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ और लोग भी सोच रहे होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बार हम लोग जो लोग पहनते हैं उनका पहनावा है या वो किस तरह से पैसे कमाते हैं या उनका क्या रुतबा है, उसी से ही लोगों को नाप तोल लेते हैं, उनके बारे में एक छवि बना लेते हैं। लेकिन इस छवि बनाने के चक्कर में हम असली इंसान को देख ही नहीं पाते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि मुझे इस बात पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करके एक बहुत सुंदर कहानी मेरे सामने आई। उस कहानी ने मुझे सारे उत्तर दे दिए और मुझे लगा ये आपसे ज़रूर बांटना चाहिए, इसलिए क्योंकि हर इंसान को दूसरे इंसान की परख कैसे होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए। कहानी सुनना अब ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी शुरू करूँ तो एक राजा है जो अपने बागीचे से बहुत प्यार करता है, अपने पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। जब भी राजा उदास हो वो वहीं बागीचे में चले जाएं, इसलिए बागीचे का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे माली रखे थे। अब एक शाम राजा का मन उदास होता है, वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं वायु स्नान लेकर आऊं अपने बागीचे में, अपनी इतनी सुंदर सुंदर मेरे पास में फूल है उनकी खुशबू मैं महसूस कर आऊं। अब राजा बागीचे पे पहुंचते हैं तो नंबर बढ़ाने के लिए दो माली इधर से आते हैं, कहते हैं कि ये देखिए गुलाब है, ये मोगरा है, इसके ये फायदे हैं, इसकी ये खुशबू है। राजा मुस्कुराता है, थोड़ा आगे चलता है। फिर दो माली इधर से आते हैं, वो कहते हैं देखो ये कितना विशाल हो गया ये पेड़, अब हमें ये फल देगा, हम फलों को बेच सकते हैं और लगा सकते हैं अब ये और ये वो। राजा कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ता है। फिर दो माली आते हैं, फिर यही कहते हैं कि इसका ये फायदा है, उसका वो फायदा है, इसको निकाल देना चाहिए, इसको रख लेना चाहिए, इसको और उगाना चाहिए। अब राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, दुखी होता है, कहता है ये सारे लोग इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। सोचता है इनको ज्ञान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सब लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, राजा पूछते हैं कि जब मैं बागीचे में गया तुम लोग मुझे ये सब क्यों बता रहे थे कि इसका नाम ये है, इसका फायदा ये है, ये इतना विशाल है, ये फल देने वाला है। तो माली बोलते हैं कि ये आपका बागीचा है, आपको पता होना चाहिए कि किसका नाम क्या है, कौन कैसा है, किस तरह का काम आएगा, किस तरह का नहीं। राजा जो बोलते हैं वही इस कहानी का ज्ञान है। तो राजा जो कहते हैं कि मैं इस गुलाब के फूल को महसूस करने आया था, इसका एहसास लेने आया था, इसकी खुशबू लेना चाहता था, देखना चाहता था वो कितना कोमल है। सोच रहा था कि उसको लेके मैं अपने रात में अपने बिस्तर के पास रखूं, इसकी खुशबू लूं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की बातों में मैं उलझ गया, मैं इसको देख ही नहीं पाया। इस एक बड़े विशाल पेड़ को मैं देखकर जैसा महसूस करना चाहता था वो मैं कर ही नहीं पाया, तुम्हारी इन्हीं बातों में फंस गया कि ये फल देने वाले हैं, इनको हम बेच के कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, इसका नुकसान है या हमें और बढ़ा देना चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों में उलझ के रह गया और अपने बागीचे का सुख भी नहीं ले पाया, ऐसा क्यों? किसी माली के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच तो यही है, कहानी का ज्ञान भी तो यही कहता है कि हम बहुत बार लोगों को उनके पहनावे में, उनके रुतबे से, उनके पैसे से, या वो किन को जानते हैं किन को नहीं जानते, उस चक्कर में एक छवि बना लेते हैं और उस छवि के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। कभी हम उस इंसान को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि असलियत में वो इंसान कैसा है, वो किस तरह का दोस्त बन सकता है, वो किस तरह का इंसान है, उसका कोमल हृदय है कि नहीं, वो किस तरह से कब दुख हो सकता है या वो किस तरह से हमें प्यारा लग सकता है। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं, बल्कि सिर्फ एक छवि और उसी छवि से ही हम उसको नापते तोलते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि साड़ी में राधे राधे बोलो तो उसका मतलब है, अगर ड्रेस में बोलोगी तो राधे राधे में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? डोंट लेबल मी। अगर मैं साड़ी में राधे राधे कह रही हूँ तो उसका मतलब भी वही है, और ड्रेस में कह रही हूँ तो उसका अर्थ भी वही है। मैं अच्छी बेटी हूँ तो बेटी हूँ, माँ हूँ तो माँ हूँ, बीवी हूँ तो बीवी हूँ, और जिस वक्त मैं जो हूँ, एक अच्छी अभिनेत्री हूँ तो अच्छी अभिनेत्री हूँ, जिस वक्त मैं जहाँ हूँ मैं वही हूँ,
मुझे कोई लेबल नहीं चाहिए कि ये कहानियां सुनाती है, ये साड़ी में पहननी चाहिए, बिंदी लगी होनी चाहिए, ये ड्रेस में भी पहन के सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो भाव है वो आप तक पहुंचना चाहिए। खैर, ये तो मेरी बात थी। इस कहानी से मैंने यही सीखा है कि मुझे डोंट लेबल मी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।